हरियाणा रोडवेज की बस राजमार्ग पर खड़े केमिकल से भरे कंटेनर में टकराई। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा उपखंड में प्रागपुरा थाने के पास बने फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। हादसे में 25 सवारी हुई घायल, 3 की हालत गंभीर। घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा में करवाया गया भर्ती। NHAI की लापरवाही के कारण खराब केमिकल से भरा कंटेनर हाईवे की फर्स्ट लाइन में खड़े रहने के कारण दुर्घटना घटित हुई। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर पावटा उपखंड क्षेत्र में प्रागपुरा फ्लाईओवर पर एक केमिकल से भरे खराब कंटेनर से हरियाणा रोडवेज की बस ओवरटेक करते समय धमाके के साथ टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना स्थल पर रोडवेज में सवार सवारी की चीख पुकार मच गई। कंटेनर में रखे केमिकल तेज गति से रिसकर राजमार्ग पर फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे, जहां घटना की सूचना प्रागपुरा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस एवं ग्रामीणों की सहायता से घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा ले जाया गया। बस कंडक्टर सुरेंद्र सुदेश कुमार ने बताया कि बस जयपुर से गुड़गांव जा रही थी। बस में 25 सवारियां थी। राजमार्ग की फर्स्ट लाइन में ओवरटेक करते समय केमिकल से भरे खराब कंटेनर में से बस टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रागपुरा थाने की SI बहादुर सिंह ने बताया कि प्रागपुरा पुलिया पर एक खराब केमिकल से भरे कंटेनर से बस टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में चालक सहित दो गंभीर रूप से घायल हो गए। सवारियों को चिकित्सकों ने रेफर किया, शेष अन्य घायलों का इलाज जारी है। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने दमकल को बुलाकर केमिकल से भरे कंटेनर पर पानी की बौछार करवाई।